सब्सक्राइब करिए जॉब लगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है joblagi.com में। दोस्तों, एक और नई वैकेंसी मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ और ये जो नौकरी है ये डेटा एंट्री की नौकरी है। मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी लोगों की कि मैम डेटा एंट्री की नौकरी बताइए, तो मैं आज आप सभी के लिए डेटा एंट्री की नौकरी लेकर के आई हूँ जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है। दोनों ही मेल एंड फीमेल के लिए ये नौकरी है, काफ़ी इजी वर्क है। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में इस नौकरी की सारी डिटेल्स। लेकिन दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पर प्राइवेट सेक्टर से सारी जानकारी और सारी अपडेटेड नौकरियां मिलती है। तो आपको अगर आज नहीं तो कल अगर नौकरी की ज़रूरत पड़ने वाली है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत काम आपके आने वाला है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस नौकरी के बारे में बिना कोई टाइम वेस्ट किए, तो इसमें जो सैलरी आपको मिल रही है ये 12,000 से लेकर के 15,000 तक की सैलरी आपको मिल रही है। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है दोस्तों, ये 12th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। थोड़ी सी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। जी हाँ, इसमें 12th पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर से मांगी गई है कि आप जो डेटा है वो सही तरीके से एंट्री कर सके, थोड़ा सा एक्सेल चलाना आपको आए। ज़्यादा नॉलेज नहीं मांगी गई है कंप्यूटर की, बेसिक नॉलेज मांगी गई है कि आप टाइप थोड़ा अच्छे से कर लें, आप एक्सेल थोड़ा अच्छे से चला लें, आप इनके जो सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, वो भी आप ठीक से ऑपरेट कर सके। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो लोकेशन आपकी इसमें है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोकेशन आपकी मुंबई में है, दिल्ली में आपकी जनकपुरी में है और गुड़गांव, तीन लोकेशन पे ये नौकरी निकली है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, मुंबई, दिल्ली एंड गुड़गांव, तीन लोकेशन पे ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 80 वैकेंसी है। कंपनी का नाम है एस एक्सपर्ट सर्विसेज, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है और साथ ही साथ आपको हर एक जगह पर इनके यहाँ नौकरी निकलती है, जैसे कि आपका BPO हो गया, आपकी कॉलिंग की नौकरी हो गई, आपकी डेटा एंट्री की नौकरी हो गई। ये कोई भी पैसे आपसे चार्ज नहीं करती हैं, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि कभी भी आपको किसी को भी पैसे नहीं देना है। तो कोई भी अगर आपसे पैसे चार्ज करता है नौकरी दिलाने के लिए, आपको इस तरीके की फेक कंसल्टेंसी से बचना है दोस्तों, और आपको इन तरीके की फेक कंसल्टेंसी को बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन में 10th क्लास की मार्कशीट लेकर के जाना है, 12th पास की भी मार्कशीट लेकर के जाना है, और साथ ही में आपको दो फोटोग्राफ लेकर के जानी है और आधार कार्ड की फोटोग्राफ ले जाना ज़रूरी है, तभी आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल होगा, तभी आपको आगे मौका मिलेगा। एक और बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि इसमें जो सैलरी मिल रही है इसमें आपका PF भी है, प्रोविडेंट फंड, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ काफ़ी बार कि जब भी आप अगर रिटायर्ड होते हैं किसी कंपनी से ज़्यादा टाइम पीरियड का काम करने के बाद ये स्विच करते हैं, तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलती है, आपकी सेविंग्स जिसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट लग करके आपको पैसा वापस मिलता है, तो ये कंपनी भी आपको प्रोविडेंट फंड जो है वो प्रोवाइड कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगी कि कोई भी नौकरी अगर मेरे चैनल से आपको मिलती है और किसी भी तरीके का कोई पैसे अगर चार्ज करता है, तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग joblagi.com किसी से भी पैसे नहीं लेते, ना ही कोई बड़ी कंपनी आपको नौकरी दिलाने के लिए पैसे चार्ज करती हैं। इस तरीके की जो भी लोग होते हैं वो फेक होते हैं, आपको उन फेक लोगों से बचना है, आपको 100% जेन्युइन नौकरी ढूंढनी है अपने लिए, जो कि बहुत आसानी से आज के टाइम पर मिल जाती है। लेकिन सिर्फ इम्पॉर्टेंट है तो आपकी डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है, आपके ऊपर अपना विश्वास ज़रूरी है, तो आपको कहीं पर भी किसी के भी सामने भी हाथ फैलाने की या भीख मांगने की नौकरी के लिए क्यों ना हो जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आप सभी के लिए, डेटा ऑपरेटिंग की नौकरी है। इसमें जो आपको काम करना होगा वो बेसिकली डाटा एंट्री का करना होगा। क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ डाटा हमेशा हर कंपनी लेकर के आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी कोई डेटा एंट्री की है, जैसे कि मेरे पास ही कुछ कॉल्स वगैरह आती हैं, उनके रिकॉर्ड्स मेरे को रखने होते हैं कि किसने कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई करा है, कब उसको किस लोकेशन पे उसको नौकरी चाहिए, सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेरे पास डेटा स्टोर होता है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं उनको आपका रिज्यूम जाता है। उसी तरीके का काम आपको डेटा एंट्री में मिलता है, आपको सारे रिकॉर्ड जो हैं वो एक एक्सेल फाइल में या जो सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें स्टोर करना होता है, साथ ही साथ उसको मेंटेन करना होता है, और आपकी जो हायर अथॉरिटी होती है, जो भी आपका मैनेजर होता है, उसको जो रिपोर्ट है वो डेली बेसिस पर भेजनी भी होती है। तो सेम इसी तरीके का काम आपको मिलेगा यहाँ पर, बेसिकली डेटा एंट्री का काम है। कोई कॉलेज
प्लानिंग का काम नहीं है, ना ही कोई टारगेट बेस्ड ये जॉब है, नॉर्मल सा काम है। अगर आप थोड़ी सी स्किल है आप में कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी को कोरोना वायरस से बचना होगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ये वायरस जो है वो फैल रहा है। तो ज़रूरी है आप सभी को अपने हाथ धोना बार बार, और चेहरा जो है वो आप कहीं पर भी जाएं कवर करके जाएं, हाथ किसी से ना मिलाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके की वीडियो के लिए दोस्तों, इसी तरीके की नौकरी के लिए आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिन्हें नौकरी की सख्त ज़रूरत है। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए एक और नौकरी लेकर के आऊँगी जिसमें आप फिर से अप्लाई कर सकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।